जी, तो भाई ये दोबारा से वही सोहू की गलियां। तो मैं इसमें दोबारा से सोहू की गलियां क्यों बोल रहा हूँ? तो जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मैं इंडिया चला गया था दिसंबर के महीने में। अब क्यों गया था? देखो, दो कारण थे। एक तो घर वालों से मिलना था, और दूसरा दिसंबर में फ्लाइंग नहीं होती साउथ अफ्रीका में क्योंकि वेदर ख़राब होता है। तो वेदर ख़राब है, फ्लाइंग नहीं हो रही, तुम खाली तो बैठे हो। हाँ, और कुछ है नहीं करने को, तो भाई फ़ायदा उठाओ, जाओ मिलने। नवंबर दिसंबर में जान होता है, जान में थोड़ा सुधर जाता है वेदर। तो मैं, मेरी फ़्लाइट 9 दिसंबर की थी और 19 दिसंबर में आ गया था इंडिया में। मैंने कोई ब्लॉगिंग व्लॉगिंग नहीं करी थी, अब मैं यहाँ आके शुरू करूँगा ब्लॉगिंग। तो सॉरी फॉर द डिले, 1 महीने का डिले हो गया, पर अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, तो कीप वॉचिंग। चलो, लेट्स एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। मैं इतने आया, मैं इंडिया चला गया था 1 महीने के लिए। इंडिया से आया हूँ, दिसंबर में फ्लाइंग नहीं होती है इधर, तो मैंने सोचा चलो इंडिया चल लेते हैं। यहाँ पे कुछ होना तो है नहीं, पहले भी नहीं होना हो रहा था, भी नहीं हो रहा है, तो वही है। हाँ, कल ही आया हूँ मैं इंडिया से, तो आज सुबह कुछ था नहीं करने को, तो मैं कुछ भी कहूँ, जगह तो प्यारी है ये। अब यहाँ पे गर्मियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो सुबह 5:30 बजे ही धूप आ जाती है, मतलब सनराइज़ हो जाता है। तो वो भी तो बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैंने वॉक का आइडिया तो मेरा पता नहीं फ्लॉप हो जाए, क्या हो जाएगा, देखते हैं। छाँव छाँव में चल रहे हैं अभी फेंसेस के। देखो, तो हमारी तरह यहाँ पे सब साइकिल चला रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अकेले नहीं हम। वैसे फिटनेस पे यहाँ ध्यान रखा जाता है। और एक बात है, जो साइकिल चला रहा है साइकिल की यूनिफॉर्म में, जो वॉक कर रहा है पूरी वॉक की यूनिफॉर्म में होता है, जॉगिंग कर रहा है सब यूनिफॉर्म में होते हैं, ऐसे नहीं कि मेरी तरह ही आ गए। अब इंडिया से आए हैं, वेट बढ़ गया थोड़ा, थोड़ा के ज़्यादा ही बढ़ गया, अब उसे कम करना है, उसमें लग गए हैं। डाइट करनी है, जिम करना है, लाइट तो यहाँ जाती ही है। और स्कूल में पता करेंगे मंडे को, क्योंकि एक सेकेंड, अब मेरे को स्कूल मंडे को जाएंगे, क्योंकि हमारी जो मैम है वो कुछ, हम मंडे को जाती है, सैटरडे संडे ऑफ होती है उनकी, तो उनसे बात करेंगे इंस्ट्रक्टर कौन होगा, कौन लेगा लाइसेंस फ्लाइंग के। बस ये रास्ता कहाँ जा रहा है, 4 महीने रह लिए, फिर भी सो तो अलग ही लगता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते निकल रहे हैं। तो भाई ये जो रोड है, ये जो हमारे जो स्कूल चलाते हैं उनके हेड ने यहीं पे एक और सोसाइटी में कुछ अपार्टमेंट्स ले रखे हैं लंबाड़ी करके, तो उसका रास्ता ही है, तो मैं वहाँ जाऊँगा पहले, फिर दोबारा से घूम के मार्केट एरिया घूम के फिर सोहो में, ये प्लान है। चलो लंबाड़ी दिखाते हैं तुम्हें, ब्रॉडएकर्स एकेडमी आ गई, बहुत सारी सोसाइटी हैं इधर। एक बात है, इधर सोसाइटी में ही घर हैं, लोगों ने सेपरेट घर नहीं बना रखे जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में तो दोनों हैं, घर भी हैं सोसाइटी भी हैं, यहाँ सिर्फ सोसाइटी हैं और कुछ नहीं है। लोगों में पार्टी चल रही है सैटरडे का आज, आज तो एंट्रेंस देखो एकदम हरियाली हरी भरी, क्या है ये, कैस्टलित। ये पता नहीं क्या दिख गया मेरे को, जी। तो भाई अभी हम रास्ते पे लंबाड़ी के, और वो सब छोड़ो, मैं इंडिया रह गया 1 महीने, मेरे को डिफरेंसेस पता लग गए क्या हैं साउथ अफ्रीका इंडिया में, ज़्यादा नहीं है, कुछ गिने चुने ही हैं। चलो तो बता दूँ, साउथ अफ्रीका में क्या है कि यहाँ लाइट जाती है, इंडिया में लाइट नहीं जाती, प्लस पॉइंट ये इंडिया का, बहुत लाइट जाती है इधर, बहुत बताऊँगा तुम्हें, पूरा शेड्यूल दिखाऊँगा कैसे कैसे लाइट जाती है इधर। और हाँ, यहाँ पे लाइट ऐसी जाती है कि यहाँ की ट्रैफिक लाइट्स भी काम नहीं करती हैं, इतनी गंदी लाइट जाती है, कोई भी ना, जिम में लाइट है मतलब, ना रेस्टोरेंट्स में लाइट है, बहुत बुरा हाल हो जाता है जब लाइट जाती है, और ख़ास करके जब पीक टाइम हो डिनर का, 8 बजे से 10 बजे तक जब जाती है पूरा अंधेरा हो जाता है, पूरा स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही, कुछ काम नहीं करता। दूसरा, इंडिया में नेटवर्क बहुत सस्ता है, बहुत चीप है,
मतलब ये लगा लो कि यहाँ पे 500 रुपये में, इंडिया के 500 रुपये में 4 GB महीने का मिलता है, और इंडिया में वही 500 रुपये में मैं 2 GB पर डे यूज़ करता था। यहाँ पे वाईफाई का कल्चर ज़्यादा है, सिम का नहीं है। इंडिया में वाईफाई भी सस्ता है, सिम भी सस्ती है, इंडिया का ये प्लस पॉइंट है। तीसरा इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है यहाँ से, यहाँ पे 2-3 किलोमीटर का ही 100-200 हो जाता है, इंडिया में नहीं होता इतना। और बात करते करते लंबाड़ी आ जाती है, दिखाता हूँ आराम से। ये देखो भाई, ये है जो हमारे जो हेड हैं स्काईवॉक के, उन्होंने अपार्टमेंट्स लेके हैं इधर। इजिप्शियंस रहते हैं इधर, हम नहीं रहते, इंडियंस नहीं रहते, कुछ ही रहते, इजिप्शियंस भी कुछ ही रहते हैं, और दूसरी जगह ली है, उधर रहते ज़्यादातर इजिप्शियन। टेरा है उसका नाम, टेरा नोवा वैसे तो। साउथ अफ्रीकन, एक सेकेंड, अब साउथ अफ्रीकन प्लस पॉइंट बताना है पड़ेगा। तो देखो इंसिडेंट बताता हूँ पहले। तो क्या हुआ था कि मैं फ़ोन कॉल पे था घर पे, और मेरे को ऑर्डर देना था, एयरपोर्ट पे था मैं, मेरे को भूख लग रही थी, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि गिव मी दैट, तो उसने ऑर्डर ही नहीं लिया। उसने कहा कीप योर फ़ोन फर्स्ट, हाँ, एंड देन ग्रीट मी एंड देन ऑर्डर। तो मतलब उसने मेरे को ये रियलाइज़ करवाया कि भाई जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है वो सर्वेंट नहीं है तुम्हारा, वो एज एन वर्कर है, वो बस तुम्हें चीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो गिव देम रिस्पेक्ट, तभी तुम्हें उधर से रिस्पेक्ट मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया में तो मतलब क्या ही बताऊँ, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ऑर्डर दे दिया, नहीं आया ऑर्डर तो चिल्लाने लग जाते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं आती ना। जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है वो तुम्हारा नौकर हो जाता है इंडिया में, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये बात है, ये ऐसे कैसे सबको पता है, ये साउथ अफ्रीकन चीज़ की बहुत बढ़िया है। मतलब रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट दो योर गुट्टू को, वरना तो भाई तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। भले ही वो बंदा तुम्हारे लिए काम कर रहा है, कुछ भी है, तुम्हारी भाई रिस्पेक्ट दो उसे भी। ये है, लड़ जाते हैं भाई यहाँ पे रिस्पेक्ट के पीछे, इतना तो है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को साउथ अफ्रीका में सीखने को मिली। अभी देखो व्यू, देखो भाई ये ट्रैफिक लाइट्स को ये रोबोट बुलाते हैं, जो लाइट चली जाती तो कहते हैं रोबोट बंद हो गए। तो भाई जानते होगे कार्स का, वहाँ पे KFC है, पिछली वीडियो देखेंगे तो जानते ही होगे, वही मार्केट एरिया आ जाता है। मैप पे दिखाऊंगा मैं कहाँ कहाँ घूम के आया। चलो अभी मैं थोड़ी जॉगिंग कर लेता हूँ, वॉक से बढ़िया तो जॉगिंग ही है। देखो वेट लॉस में ऐसा नहीं है कि जॉगिंग ही करो, भागो, वेट्स मारो, थोड़े थोड़े एफर्ट डालो, सब हो जाएगा। वॉक से भी, वॉक इज़ वेरी वेरी गुड फॉर वेट लॉस। चलो भाई चलते हैं, जॉगिंग करते हैं, ठीक है, बाद में मिलते हैं। ये एंगल बताओ कैसा है, बड़ा है या नहीं? तो वॉक कंप्लीट, मतलब जॉगिंग प्लस वॉक, और घर चलते हैं, देखते हैं क्या बनाना है, और फिर स्कूल जाते हैं शायद, देखते हैं, बताते हैं, दिख जाएगा वीडियो में। चलो ये होम स्वीट होम।